टीवी में देख रहे हैं। हाँ जी नहीं नहीं आप ना आप भी बोल दो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं वही बताइए गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो फैसला आना चाहिए था कम से कम 3-4-5 महीने पहले आना चाहिए था, ताकि जो पटाखा व्यापारी हैं, जो 5 महीने पहले से तैयारी करते हैं, जो स्टॉक में रखते हैं, कर्जा ले लेकर माल भरते हैं, उनका नुकसान ना हो। अगर ये फैसला 2-3 महीने 4 महीने पहले आता तो ठीक था, लेकिन व्यापारी का बहुत नुकसान, पहले ही व्यापार तो पहले ही 50% या 40% रह गया है, व्यापार में मज़ा है ही नहीं। लेकिन नाम अजय सैनी, चौक बाजार डोईवाला से विधानसभा अध्यक्ष हूँ इंटरनेशनल कांग्रेस से। सरकारों का नुकसान तो है ही है, मगर ये नुकसान ही है जो जो पैसा लगाया उन्होंने उसकी भरपाई सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार जो है वो कौन पूरा करेगा, मगर इसकी भरपाई तो पूरी हो नहीं पाएगी, नुकसान ही पहुँचाएगा उनको। व्यापारी वैसे ही नुकसान में, व्यापारी वैसे भी नुकसान में है, क्योंकि एक तो ये करेंसी का मामला चला है, दूसरा GST वगैरह इन्होंने, मतलब ये है कि दुकानदार तो मरा मरा है, गरीब आदमी भी मरा है, दलित आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। क्या होना चाहिए, क्या सुझाव देना इसमें? ये सुझाव होना चाहिए कुछ ना कुछ हल इसमें निकलना चाहिए, तो जो है छूट देनी चाहिए इस मामले में जी। और व्यापारियों का हित देखते हुए व्यापारियों को पटाखे बिक्री कर प्रावधान देना चाहिए जी। और इसके बाद दिवाली के बाद जो है इस बैठ में समस्या का हल निकालने के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए, अगली दिवाली के लिए। तो आप तो ये भी चाहते ना कि कम से कम व्यापारी को सुझाव भी तो लिया जाए, है ना? व्यापारी सुझाव फिलहाल जो है बिक्री देनी चाहिए अभी, कि जो लोग माल खरीद चुके हैं, माल पैसा लगा चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं, वो कम से कम उनकी बिक्री तो लगे। तो वैसे GST के कारण जो है बाजार बहुत आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है, क्या 100% व्यापार प्रभावित है, ठीक है।